आने वाले दिनों में खाद्य तेल सस्ते हो सकते हैं। जी हाँ, आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि खाने का तेल और भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि हाल ही में बढ़ रही सप्लाई के बीच मांग घटने से सोयाबीन की कीमतों में गिरावट बढ़ने का अनुमान है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोयाबीन अपनी मौजूदा कीमतों से 12% टूटकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक आ सकता है। मौजूदा खरीफ सीजन में बुआई बढ़ने की वजह से भी आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। अभी सोयाबीन 6250 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें मौजूदा भाव से 750 रुपये की गिरावट की संभावना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आगामी हफ्तों में देश की सोयाबीन की प्रमुख इंदौर में सोयाबीन का भाव 6000 रुपये से 6583 रुपये के दायरे में कारोबार करता दिख सकता है, यानी मौजूदा स्तर से सोयाबीन का भाव 6000 रुपये तक लुढ़कने के बाद 5500 रुपये तक के निचले स्तर को भी छू सकता है। हालांकि तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सोयाबीन की कीमतों में पॉजिटिव मोमेंटम तभी आएगा जब भाव ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट यानी TRP 6583 रुपये के ऊपर पहुंच जाए। अगर सोयाबीन की आगामी नई फसल के दाम की बात करें तो भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल तक खुल सकता है। उधर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा मौद्रिक नीति में नरम रुख अपनाने और अमेरिका में सोयाबीन उत्पादक राज्यों में सामान्य के मुकाबले ज्यादा गर्म तापमान की वजह से सकारात्मक रुझान बनने से बीते 7 दिन में वैश्विक मार्केट में रिलीफ लहरी देखने को मिली है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोयाबीन की पर्याप्त सप्लाई और CPO की कीमतों में कमजोरी को देखते हुए वैश्विक बाजार में सोयाबीन की कीमतों में ज्यादा तेजी के आसार नहीं है। फसल खराब होने की खबरों से घरेलू बाजार में सोयाबीन को कुछ सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन फसल को कितना नुकसान हुआ है अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। वहीं सरकार के ताजा बुआई के आंकड़ों के मुताबिक सोयाबीन की फसल की प्रगति फिलहाल अच्छी बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।